हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूर्वा एंड एक और बार मैं आपका स्वागत करती हूं द लूडो किंग शो में। आपने जस्ट देखा ना 11th एपिसोड, क्या मतलब कितनी कांटे की टक्कर थी। एंड तक पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतने वाला है। एंड आई मीन हिमांशी ने जैसे कंप्लीटली बाजी पलट दी थी, बीच में ऐसा लगा था कि यार वो तो बाजी मार जाएंगी, लेकिन फिर से मतलब उनका लास्ट वाला टोकन किसी ने कट कर दिया एंड हो माई गॉड, सबका एक एक टोकन बचा था। वॉट अ थ्रिलिंग गेम। मतलब बस इससे वो होता है ना, जैसे हम मूवीज में बोलते हैं कि एकदम सीट के एकदम एज पे बैठ के देखनी पड़ती है, वैसे वाला हो गया था लिटरली ये गेम। और मुझे तो लगा था खत्म ही नहीं होगा अभी, है मतलब ये जीतने नहीं देंगी लड़कियां एक दूसरे को, लेकिन सना ने एंड में बाजी मार ही ली। सना जीत चुकी है। सो आइए जानते हैं उनसे ही कि उनको कैसे लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको अभी? आप मतलब आप मैं खेलने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मुझे तो बहुत मजा आया खेल के और बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ अभी तो। आपको लगा था आप जीतेंगी? हाँ, मतलब मुझे लगा था सच्ची बताऊं तो, बट मैं ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहती थी, क्योंकि कॉन्फिडेंट अच्छा बट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो तो ये तो मतलब में था कि मैं जीतूंगी बट मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो होता है ना करने के बाद बोलो ना तब मजा आता है। ओके, सो आप अभी जीत गए तो अभी आप बोल सकते हो। ओके ग्रेट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मिल रहा है 10,000 रुपीज का प्राइज, 10,000 रुपीज के गिफ्ट कूपन्स आपको मिल रहे हैं। सो आप क्या करेंगे? आपकी क्या वो मिस्टीरियस ऐसी जो लिस्ट है जो बार बार हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या करेंगी, मतलब क्या करेंगी ये प्राइस? मैंने ना अभी 3-4 दिन पहले मतलब मैं मम्मी के लिए बहुत सारा सामान देख रही थी, जैसे बीपी मीटर एंड ऑक्सीमीटर और शुगर मशीन डायबिटिक वाला। तो अभी ना जैसे लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है चीजें, तो फिर मैंने सोचा था कि पहले एक एक करके मंगवा लेती हूँ, बट अभी मुझे लगता है ना कि अभी मैं सब एक साथ मंगा लूंगी तो मेरे को ये सारी चीजें कवर अप करनी है। और मैंने अपने लिए तो मैंने सोचा था इस बार मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, पहले मम्मी का कवर अप कर लेती हूँ। ओके, सो अभी बेसिकली आप मम्मी के लिए जो बीपी शुगर वाली है जो आप करते हैं, और जो मैं मतलब ये वाले इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो मेरे को और बहुत सारे आइटम्स ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें कवर हो जाएगा सब। अच्छा ओके, हाँ लेकिन छोटा सा कुछ, एकदम छोटा सा क्यों ना हो अपने लिए कोई टोकन ले लीजिए हमारी तरफ से याद बोल के, ताकि आपको भी याद रहे आप ऐसे गेम जीती थी। अभी मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया ना, तो मैंने सोचा था कि मैं वेट कम करूंगी, इसलिए मैंने बहुत सारे जैगिंग वगैरह और स्पोर्ट्स मैट वगैरह सारे सेलेक्ट किए हुए थे, वो सब मंगा लूंगी। आपको कहना है आपने वेट पुट ऑन किया है। सना आपकी एज क्या है यार, वेट की क्या बात कर रहे हो, बस फिटनेस पे ध्यान दो, बस खेलो कूदो मजे करो, वेट के बारे में अच्छी लगूं। आप अच्छी लग रही हैं बहुत ज्यादा, बिलीव मी कोई जरूरत नहीं है अच्छे दिखने के लिए वेट पुट ऑन करने की। ये क्या आई डोंट नो कौन आपको ये बकवास चीजें बताता है। हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, आपकी फिटनेस के लिए ठीक है, हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए ठीक है। ये मतलब बिल्कुल भी आप मोटी नहीं है, जिस किसी ने आपको बताया होगा उनके मुंह पे बोल देना प्लीज, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो कौन आपको ये बता रहा है। एंड आई फिर भी मतलब मैं बस वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे वेट वगैरह के लिए नहीं बोल रही थी, मैं बस बोल रही थी कि कुछ छोटी सी चीज हमारी तरफ से याद बोल के छोटा सा तो कुछ अपने लिए ले लीजिए। आपकी सेंटिमेंट ये बहुत ही सही है कि आप आपकी मॉम के लिए ये सब कुछ ले रहे हैं। सो तो मैंने जैगिंग वगैरह और बहुत सारी चीजें की हुई है ना जो मतलब मेरे लिए ही है। हाँ ठीक है, आप बस वही मैं बोल रही थी कि हमारी तरफ से कुछ याद बोल के कुछ ले लीजिए, बाकी तो आपको जैसे चाहे आप अपने कूपन्स ऑब्वियसली स्पेंड कर सकती हैं, आपका चॉइस है। सो एंड थैंक्स अ लॉट, हमें बहुत ही मजा आया आपके साथ खेल के, आपने बहुत सही फाइट मारी, बहुत सोच समझ के खेल रही थी आप, एक भी मतलब मौका जाने नहीं दिया आपने। मैंने ज्यादा बातों में ध्यान नहीं दे रही थी। हाँ वो मैंने देखा, एक भी बार ऐसे नहीं हुआ कि आप किसी को कट कर सकती थी, आपने नहीं किया या फिर कुछ ऐसे, बिल्कुल भी नहीं था, एकदम से कॉन्सेंट्रेशन से खेल रही थी। गुड गुड, सो अब तो मतलब आप तो लूडो क्वीन बन गई है, लूडो किंग की। तो क्या अभी आपके फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए वट बढ़ जाएगा ना? बच्चे ना वो सारे के सारे देख रहे हैं अपना जाके फोन में। सही है सही है। सो अब तो मतलब आपका एकदम क्या बोलते हैं शान से घूम सकती हैं अभी आप अपने फ्रेंड्स में, अपने इसमें क्या आपने जीत में। मम्मी पूछेंगे क्या रहा अभी मैं बाहर एक मिनट के लिए गई थी, क्या रहा जीत गई मैं। गुड गुड, सो अभी मतलब कोई पंगा नहीं लेने वाला आपसे लूडो किंग खेलने में, है ना? मेरे घर में ना सभी लूडो बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हम बचपन से ही खेलते हैं। अच्छा सभी अच्छा खेलते हैं, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं सारे। लॉकडाउन में मैं हिमांशी और नैंसी के साथ खेलते थे, तो वो जो अभी गेम चला ना एक्चुअल में ऐसा ही रहता था हमेशा,
ज्यादातर। अच्छा? और एनसी का तो वैसे ही रहता है कि वो पहले चल जाती फिर बाद में लटक जाती बेचारी उनके साथ, तो मतलब भी वो तुरंत से, वो भी बहुत बार जीती है पर ऐसे रहता तो मुझे था कि शायद मैं जीत जाऊंगी। क्या बात है, बहुत सही, आपके लक ने भी आपका साथ दिया, आप खेली भी बहुत अच्छा। सो चलो आप एंजॉय करो अपना गिफ्ट। लेकिन आपसे बाय बोलने से पहले आप दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए, हमारे फैंस के लिए आप कुछ थोड़ा सा अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहे थे एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, अब मैं जाके अपना यूट्यूब पे देखूंगी। ग्रेट ग्रेट, हमें दिख रहा है आप बहुत, हमारे लिए मतलब मेरे लिए भी जी दिख रहा है, आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको इतना खुश देख के। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन और लेट्स होप कि हम जल्द ही मिले, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।